नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और एनालाइज वीडियो में आपका स्वागत है। आज संडे का दिन है, मैं दो चार दिन से बाहर था। अभी देखते हैं क्या कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं मंडे के मार्केट की और क्या कुछ मार्केट ने इन तीन दिन में किया है जिसमें हम नहीं थे। मार्केट ने यहाँ के आसपास ठहराव लेना चाहिए थे, ये ब्रेक किया एरिया, इसे ब्रेक करने के बाद में यहाँ सस्टेनिंग लेते हुए ऊपर की साइड से ट्रेप किया। न्यूज वाला डे था, एक ट्रेपिंग यहाँ हुई थी, एक ट्रेपिंग इसकी पावर चल रही है, एक पावर और ली और मार्केट ने डिप मारा नीचे की साइड में। अब नीचे के एरियाज की वैल्यू देख रहे हैं हम कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट अगर हम देख रहे थे इस एरिया तक आना चाहिए। जब ये ब्रेक कर लिया, मार्केट ये एरिया रीच कर चुका है। इस एरिया में अब हम अगर मार्केट को अच्छे रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर की प्रोबेबिलिटीज भी देखना शुरू करते हैं तो मार्केट ने ये रेंज अप्रोच करने के बाद में ये पिवो अप्रोच किया, ये लेवल भी अप्रोच कर लिया। अब कितना डिप और जा सकता है एग्जैक्ट वैल्यू पाने के लिए हमें छोटे चार्ट पे देखना पड़ेगा। ये एक घंटे का टाइम फ्रेम है और ये 15 मिनट, दोनों ही वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो 1 घंटे के चार्ट पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जिस जगह से मार्केट ने बेच लिया है वो भी इम्पोर्टेंट है। एक डिवाइडर बन रहा है यहीं के आसपास, अपना पिवो आ रहा है जो यहाँ से लो से हाई का एक मेन फिबो है, वो फिबो आ रहा है तो मार्केट के यहाँ से भी पलटने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकली कि क्या क्या मोमेंटम हो सकते हैं। मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करेगा, अगर ट्रेपिंग वे में ब्रेक करे, स्पीडली ब्रेक करके ऊपर की साइड आए तो मार्केट चेजिंग वे में ऊपर जाएगा क्योंकि मार्केट स्ट्रेच रह चुका है और स्ट्रेच मार्केट को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो चेजिंग वे में ही ब्रेक कर सकता है क्योंकि अगर मार्केट हाँ, एक चीज़ और है, ये पहला दिन है एक्सपायरी के बाद का जिसका इम्पेक्ट मार्केट में हमेशा अलग तरीके से रहता है। ये एक्सपायरी के दिन का मार्केट है। अगर हम बात करें यहाँ पे मंडे के लिए तो अब मार्केट अगर ट्रेप करे तो मार्केट गैप डाउन खुले, एक तो ज़्यादा बड़ा गैप डाउन भी खुल सकता है, थोड़ा गैप डाउन, तो ये एरिया है जिस एरिया में मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो अपना 33,900 के आसपास का लेवल जो ये येलो एरिया है इसको यूज करते हुए मार्केट फास्टली चेजिंग बन सकता है अपसाइड के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे अगर आपको 1 मिनट पे कोई प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आप अपसाइड के लिए बड़ा ट्रेड देख सकते हैं। दूसरा, ये एरिया भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है जहाँ से मार्केट ऑलरेडी पलट सकता है क्योंकि ये एक पहले की सेलिंग टेरिटरी में घुसा हुआ है, तो स्ट्रेच मार्केट है, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच है, नीचे के मोमेंटम भी सार पाए हुए हैं और ट्रेपिंग के साथ मजबूती लेते हुए आए हैं। अब ज़्यादा मार्केट स्ट्रेच नहीं हो सकता तो मार्केट यहाँ से भी पलट सकता है, लेकिन कौन सी प्रोबेबिलिटी पे हमें कैसे ट्रेड करना है। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो पहला अप शायद वो ठहर नहीं पाए और नीचे की साइड में आपको लेवल दे, और जिस भी साइड आपको ऊपर की साइड इस एरिया के आसपास अगर देता है तो आप चांस ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर एंगल ट्रेपिंग का बना के गिरता है तो इस एरिया पे ट्रेपिंग, ये वाली एक ट्रेंड लाइन बना के रखेंगे डिवाइडर, इसका सहारा लेते हुए तीनों चीज़ें मिलती है तो ऑल द बेस्ट, यहाँ से आप बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं टाइम लग के आए तो, नहीं तो इस लेवल्स पे हमें रिएक्ट करेंगे। अगर मार्केट अब खुल के थोड़ा सा डाउन देता है इस लेवल के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे तो यहाँ से अब हम एक अपसाइड यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप खुलता है और डायरेक्टली इस लेवल को पार कर देता है, 34,800-850 लेवल को पार करता है तो यहाँ से मार्केट लेवल एक रिट्रेसमेंट लेगा तो काफ़ी छोटा रिट्रेसमेंट और ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट हो सकता है। स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट की 1 मिनट की कैंडल्स में हमें स्टेप्स ढूंढने होंगे चेजिंग के। अगर हमें मिलते हैं और ज़्यादा गैप अप होता है तो मार्केट पूरा चेजिंग में ऊपर रह सकता है, एक तो ये साइकोलॉजी है। थोड़ा गैप अप खुलता है तो इसी एरिया को रेसिस्ट करते हुए मार्केट नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है, यहाँ से नेक्स्ट लेवल भी अचीव कर सकता है, बट ये एक अच्छा लेवल है, इस लेवल से मार्केट पलट सकता है। पीवो भी है और इस एरिया की वैल्यू मल्टीपल वे से निकल के भी आ रही है, ठीक है। तो ये जीआईए क्रिएट कर सकता है। जीआईए कैसे कि ऊपर खुलना, ग्रीड ऑलरेडी है, ग्रीड का इम्पेक्ट आया, उसी इम्पेक्ट को पावर बनाया और मार्केट ऊपर की साइड चल सकता है, ठीक है। एक ये वे हो गया। अगर मार्केट क्विकली गैप डाउन खुलता है या न्यूट्रल भी खुल के ऊपर की साइड ट्रेप करते हुए भी नीचे आई या न्यूट्रल खुलते हुए नीचे की साइड डायरेक्टली आए तो भी इस ग्रीड का इम्पेक्ट आएगा, लेकिन इम्पेक्ट में हमें अगर मोमेंटम देखना है और मोमेंटम हमारे पास 400 पॉइंट का है तो वो सॉलिडली यूज नहीं ले पाएगा उसको। 300-350 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ऐसे वे में नहीं आ सकता नीचे डायरेक्टली, और ऐसे वे में आएगा तो मार्केट का रेंज बढ़ जाएगा, नीचे की साइड की चेंजिंग हो जाएगी और मार्केट फिर किसी लेवल की रेस्पेक्ट नहीं करेगा।
तो मेरे हिसाब से न्यूट्रल खुल के मार्केट को बिना ट्रेप करते हुए नीचे की साइड नहीं आना चाहिए। तो साइकोलॉजी में और दूसरी ट्रेड क्या देखेंगे हम, एक सेकेंड ही हटाए, अभी हम क्या देख सकते हैं, न्यूट्रल खुल के बिना ट्रेपिंग में मार्केट नहीं, और इस लेवल का इतना तो रेस्पेक्ट बनता है इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ठीक बनना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट वाला एंगल बन के ही ट्रेप करे तो हम इधर से मजबूत उठाएंगे। ये लेवल हमारा बाइंग रहेगा, ये लेवल अगर रिट्रेसमेंट के साथ, अगर गैप अप के बाद रिट्रेसमेंट आता है तो बाइंग रहेगा, और अगर ज़्यादा गैप अप आता है और कोई भी रिट्रेसमेंट ले तो बाइंग रहेगा, ये सारे बाइंग लेवल रहेंगे। सेलिंग का लेवल नहीं रहेगा, सेलिंग का एक ही लेवल हो सकता है, मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप खुले और इस लेवल के आसपास आता है ये प्राइस एक्शन, तो एक लेवल आपको स्केल्पिंग वे में मिल सकता है, वो यहाँ के गैप डाउन और जीआईए क्रिएट करने वाले लेवल तक ही मिल सकता है। अगर वो देखें तो वो एक क्विक स्केल्पिंग के तौर पे हम देख सकते हैं, एम ट्रिप वगैरह या कोई पैटर्न मिलते हैं तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे मंडे के लिए लेवल रहेंगे। अभी मैं रेगुलर रहूँगा वीडियोज में, कोशिश ये रहेगी कोई भी वीडियो मिस ना हो, इस बार 2-3 दिन बाहर था तो मैं मिस किया। ये 15 मिनट का चार्ट है, जैसा कि हम लास्ट में देख रहे थे इस एरिया की वैल्यू यहाँ पे नहीं आई थी, अब वो वैल्यू यहाँ आके मार्केट ने इवेंट वाले डे पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया, एक्सपायरी मोमेंटम, इवेंट वाला डे ये था, एक्सपायरी वाले डे पे अच्छा मोमेंटम मिला है और वापस से इसको ब्रेक करते हुए सस्टेन किया। और ये फ्राइडे का मार्केट कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन डाउन साइड के लिए देता, बट डाउन साइड साइड में एक बड़ा प्लेटफॉर्म आ रहा है, जिस प्लेटफॉर्म में ये वे एक चेजिंग जो वे बना है या दोबारा से वो वैसा वे बनाते हुए ट्रेपिंग का एंगल लेते हुए आगे के 3 डे मार्केट में, क्योंकि मार्केट अगर गिरा है तो ऑब्वियसली इसमें दूर की पुटें भर जाएंगी, अच्छी भर जाएंगे, और वो 3 दिन में उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तो ये रहेगा हमारा मंडे के लिए एनालाइज। थैंक यू फ्रेंड्स।